तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं आशाएं आशाएं। तो ये सारी की सारी चीजें किस चीज का रिजल्ट है? जितनी भी चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं, जितनी भी चीजें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी की सारी किसकी चीज का रिजल्ट है? डिमांड का। हम डिमांड कर रहे हैं तो चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं, हम डिमांड कर रहे हैं तो चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं। अगर हम डिमांड ना करें तो क्या सप्लायर सप्लाई करेगा? बात खत्म। यानी हम डिमांड कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर उनको सप्लाई कर रहे हैं, पक्की बात। इसका मतलब यह है कि जो जो चीज हम चाहते हैं उनकी डिमांड हो जाती है। क्यों हो गया ना? अगर हम पंखे की डिमांड करते हैं तो सप्लायर पंखा बनाकर बेचता है। अगर मेरी इच्छा हेलीकॉप्टर खरीदने की है तो सप्लायर क्या हेलीकॉप्टर बनाकर बेचेगा? पक्की बात है ना? लेकिन मेरी इच्छा होने से सप्लायर हेलीकॉप्टर नहीं बनाकर बेचेगा। मेरी इच्छा तो दुनिया पर राज करने की है, क्या करें क्या करें? यहां केवल डिजायर होने से काम नहीं चलेगा। आपकी इच्छा है तो सप्लायर बना बनाकर आपको देता जाएगा, डिमांड की पूरी सप्लाई करेगा ना। डिमांड केवल आपकी डिजायरनेस से पूरी नहीं होती कि आपकी ये इच्छा है तो वो डिमांड हो गई ना। इकोनॉमिक्स इसको नहीं मानता, कहता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज डिजायरनेस। सबसे पहली जो जरूरत है या एक बेसिक कंडीशन होती है डिमांड की, वो होती है डिजायरनेस। अगर डिजायर है तो डिमांड होगी, लेकिन अकेले डिजायर होने से डिमांड नहीं हो सकती। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा ये पेन देना, तो दुकानदार ने कहा, दुकानदार से कहा मुझे इस पेन को खरीदने की इच्छा हो रही है, तो उसने कहा मेरे पास है ना। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। अब बताओ डिमांड हुई डिमांड नहीं हुई। जेब में पैसा है नहीं और हम इच्छाएं लेकर घूम रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं। तो मेरी जेब में पैसा भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पैसा भी होना चाहिए। तो दूसरी बेसिक कंडीशन है डिजायर होने के साथ साथ कैपेसिटी भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी भी होनी चाहिए, यानी मींस होने चाहिए, क्या होने चाहिए? मींस। क्लियर? तो इच्छा भी हो गई, मेरे जेब में पैसा भी है, तो अब डिमांड नहीं हो गई ना। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा पेन देना, उसने कहा 10 रुपए का है। मैंने कहा है ना जेब में पैसा है ना, ऐसे दिखाया उसको, तो कहा लाओ। मैंने कहा देने की इच्छा नहीं है। अब बताओ तो डिमांड कहाँ हो गई? आपके पेइंग कैपेसिटी होने के साथ साथ विलिंगनेस टू पे भी तो होना चाहिए। केवल आपके जेब में पैसा है, दुकानदार को दिखा दिया, पेन की डिमांड कर ली, वो पूरी हो गई ना, आपको वो पैसा देना भी पड़ेगा, आपको वो पैसा निकाल करके देना भी पड़ेगा अगर आप देने के लिए तैयार हो। और ये तीन शर्तें पूरी होती हैं, तीसरी क्या? विलिंगनेस टू पे। अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो वो डिमांड है। यानी कोई भी डिमांड डिमांड तब बनती है जब ये तीन बेसिक कंडीशन पूरी हो, पहला डिजायरनेस, दूसरा कैपेसिटी यानी मींस, और तीसरा विलिंगनेस टू पे। क्लियर है? ये तीन अगर कंडीशंस पूरी हुई तो हमारा डिमांड होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी याद रखना,
इस चीज को हम लोग अभी स्किप कर देते हैं। ध्यान देना, डिमांड होने के लिए कितनी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है? तीन, डिजायर मींस एंड विलिंगनेस, डिजायर मींस एंड विलिंगनेस। तो तीन चीजों का पूरा होना बिल्कुल जरूरी है। पहला डिजायर, रेडी टू पे, विलिंगनेस और कैपेसिटी टू पे। ठीक, हमें ये पेन चाहिए। 10 रुपए की पेन है, कितने रुपए की पेन है? तो मैंने कहा कि मुझे ऐसी 50 पेन चाहिए। कितनी चाहिए? अगर 10 रुपए एक पेन का दाम है तो मुझे ऐसी 50 पेन चाहिए। दुकानदार ने कहा बिल्कुल ठीक है, ले लो। उसने कहा हम 9 रुपए इसका दाम कर देते हैं। दुकानदार ने कहा तो मैं पेन बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा? नहीं नहीं सच बताना, क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे या घटाएंगे? क्यों? प्राइस कम हो गई है। जब प्राइस कम हो गई है तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब मैं उतने ही पैसों से ज्यादा पेन खरीद लूंगा, उतने ही पैसों से ज्यादा पेन खरीद लूंगा। मैं ले तो गया था 500 रुपए की, 500 रुपए की पेन खरीदूंगा, कितने की पेन खरीदूंगा? लेकिन एक पेन का दाम 10 रुपए था तो मैंने 50 रुपए 50 यूनिट्स की डिमांड रखी। अगर एक यूनिट का दाम 9 रुपए हो जाए तो नियर अबाउट में कितने डिमांड रखूंगा? अगर मेरा मन 500 रुपए को खर्च करने का है, जरा डिवाइड दे करके देखो, हैं 55 या 56 जो भी हो, तो मैं 56 पेंस का डिमांड रखूंगा। नियर अबाउट ये भी 500 रुपए के बराबर खर्च होगा। यानी प्राइस कम होने पर किसी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ने लगती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ने लगती है, पक्की बात है ना? तो देखो, तो प्राइस कम हुई, 10 से 9 हुई, डिमांड बढ़ गई। और अगर 9 रुपए थी पेन का कॉस्ट तो हम 56 पेन की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जहां पर 9 से 10 रुपए दाम बढ़ गया तो मैंने अपनी डिमांड क्या कर दी? कम कर दी। एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर प्राइस प्लस होता है तो डिमांड माइनस होती है, और प्राइस अगर माइनस होता है तो डिमांड प्लस होती है। बेसिक कंडीशन समझ में आई? तो डिमांड यह कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड प्लस होगी। ठीक है ना? ये दोनों चीजें समझ में आई? क्या केवल ये प्लस और माइनस होना केवल प्राइस पर डिपेंड है? मैंने क्या कहा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। इसका मतलब हमारी टोटल डिमांड किस चीज पर डिपेंड है? प्राइस पर। ये प्राइस जो है हमारा मेन थिंग है। केवल प्राइस के होने से क्या हमारी डिमांड प्लस या माइनस होती है? क्या कोई और फैक्टर्स नहीं है क्या डिमांड को प्लस माइनस करने वाले? क्या कोई और फैक्टर नहीं है जिससे डिमांड बढ़ सके और घट सके? क्या केवल प्राइस ही एक मुद्दा है जिससे डिमांड घटती और बढ़ती है? क्यों दीन, बोलो। और भी फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी डिमांड घटती और बढ़ती है। तो जरा अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो समझ लो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, जिनके होने से डिमांड प्लस या माइनस होती है। पहला रीजन, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, जो हम लोगों ने देख लिया, जो हम लोगों ने देख लिया, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज द मेन थिंग। ये वो सबसे बड़ा कारक है या कारण है या फैक्टर है जो हमारे डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज द मेन फैक्टर। दूसरे कौन से फैक्टर हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या रिलेटेड कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और रिलेटेड गुड्स हैं क्या, ढंग से देखना, समझने की कोशिश करना।
जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो दो चीजें सामने आती हैं। इस पेन का रिलेटेड गुड्स ये दूसरी कंपनी है, ये सेल्लो और ये कैमलिन, दो कंपनियों के मार्कर मैं यूज कर रहा हूं। मार्केट में ये ना मिले तो मैं इसको यूज कर सकता हूं, ये ना मिले तो इसको यूज कर सकता हूं, है ना। ये दो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट सामने हैं, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्स है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है या सब्स्टिट्यूट्स है। ये सब्स्टिट्यूट्स हैं जिसको हम कहते हैं स्थानापन्न। अगर ये न मिले कोई दिक्कत नहीं, ये तो है, ये न मिले कोई दिक्कत नहीं, ये तो है। देयर इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कोई भी हम यूज करेंगे तुम लोगों को उससे क्या रिक्वायरमेंट, तो वही फुलफिल होगी, आया ना। तो कहने का मतलब ये कि रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं। कौन से गुड्स आते हैं? और दूसरे एक और गुड्स आते हैं जिस इनको हम कहते हैं हिंदी में स्थानापन्न वस्तुएं। एक और गुड्स आते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? पूरक वस्तुएं। ये क्या है? ये स्थानापन्न वस्तुएं क्या है और ये पूरक वस्तुएं क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स तो समझ में आ गए, और कोई इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है तुम लोग के दिमाग में? टी एंड कॉफी, चाय मिलेगी तो ठीक, नहीं तो कॉफी से तो काम चला ही लेंगे, कॉफी मिली तो ठीक, नहीं तो चाय से काम चला लेंगे। और कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स? कोका कोला एंड थम्सअप, थम्सअप मिली तो ठीक, नहीं तो कोका कोला से काम चला लेंगे, कोका कोला मिली तो ठीक, नहीं तो थम्सअप से काम चला लेंगे। बात समझ में आई? तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। क्यों भाई, क्या है ये? सब्स्टिट्यूशंस हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें जो इंक पड़ी हुई है, देखो तो मैं इंक का ये पॉट लेकर के घूम रहा हूं, जैसे इंक खत्म होती है मैं इसको रिफिल कर देता हूं, आया ना। अगर इसका दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया तो इसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर इस पेन का डिमांड प्राइस बढ़ गया तो हम इसकी डिमांड कम करने लगेंगे, और जब डिमांड इसकी कम करेंगे तो साथ साथ ये भी कम खल लगेगा। जब ये खरीदेंगे तो ये खरीदना है, ये नहीं खरीदेंगे तो ये क्यों खरीदेंगे? दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स है। दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स है, पूरक है। क्या है? पूरक है। यानी अगर मुझे पेन की जरूरत है तो इस स्याही की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, उसने कहा गाड़ी और पेट्रोल, बिल्कुल सही है, डीजल वाली गाड़ी के साथ पेट्रोल या पेट्रोल वाली गाड़ी के साथ पेट्रोल। यानी अगर हम मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो उसके साथ पेट्रोल की भी जरूरत है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कार खरीद ली, पेट्रोल के लिए पैसा है नहीं, ऐसा नहीं ना होगा? कार खरीदने के पहले तो तुम अपना बजट बनाओगे कि हर महीने पेट्रोल पर इतना पैसा जाएगा ही जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कार के साथ, कार की डिमांड अगर बढ़ी तो पेट्रोल का भी क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। अगर कार की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ेगा, और अगर कार मार्केट में महंगी हो गई तो कार की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर कार की डिमांड कम हो गई तो पेट्रोल की भी डिमांड ऑब्वियस है कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक वस्तुएं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरह की वस्तुएं आएंगी, दो तरह के सामान आएंगे। एक को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, सब्स्टिट्यूट्स के एग्जांपल क्या है like? बता सकते हो? टी एंड कॉफी और सॉरी कोक और पेप्सी, पक्का ना? इनके एग्जांपल दे सकते हो?
पेन एंड इंक, और नहीं, ये एंड यहां पर दोनों नहीं यूज कर सकते, दोनों में से कोई एक, यहां पर और ब्रेड एंड बटर, पक्की बात है ना, लिखो इसको। जरा ढंग से देखना, अब हम इसके बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अब तक तुम लोगों ने ये पढ़ा था प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, इसके बारे में कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, सुनना, और प्राइस घटने पर डिमांड कम होती है। हम किसकी बात कर रहे थे? हम मान लो टी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? चाय की बात कर रहे थे। चाय का दाम बढ़ गया तो उसकी डिमांड, और चाय का दाम घट गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब जरा इसकी बात करते टी की, लेकिन टी की अकेले बात नहीं करेंगे, साथ में हम किसको ले लेंगे? कॉफी को भी ले लेंगे, ठीक। ये टी है और ये कॉफी, ये प्राइस है। चलो, टी का दाम 10 रुपए था, कितना था? तो इसकी डिमांड थी 100, मान ले, और कॉफी का दाम था 12 रुपए और इसकी डिमांड थी 80, मान ले। देखो बेचारा कॉफी, हम किसको टारगेट लेकर चल रहे हैं? कॉफी को, सॉरी टी को, हम किसको टारगेट लेकर चल रहे हैं? टी को। अब अचानक टी के साथ क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई, मतलब उसका दाम बढ़ गया। 10 रुपए से चाय का दाम बढ़कर 11 रुपए हो गया, तो इसकी डिमांड क्या होगी? घटेगी। लेकिन इसका फर्क किसको मिलेगा फायदा? कॉफी को मिलेगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका दाम घटा बढ़ा नहीं है, इसका दाम क्या है? सेम है। जब इसका दाम सेम है तो इसके डिमांड, इसकी कॉस्ट बढ़ने से इसकी डिमांड कम हो गई, और जब इसकी डिमांड कम होगी तो पीने वाले तो पिएंगे चाय या कॉफी, किसको प्रेफर करेंगे तब? कॉफी को। इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, हो सकता है इसकी डिमांड पर ही 100 हो जाए, आया ना। देखो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। दाम बढ़ने से, एक सामान का दाम बढ़ने से दूसरे सामान डिमांड बढ़ गई, ढंग से सुनना, एक सामान का दाम बढ़ने से किसी दूसरे सामान का डिमांड बढ़ गया, और एक सामान का दाम कम होने से दूसरे सामान का डिमांड कम हो गया। तो इसको हम कहते हैं कौन सा रिलेशन? कम होने पर पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन? ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, कौन सा रिलेशन है? बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट है? इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। ये भी प्लस और ये भी प्लस। हम इसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं,